अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ईजी और सिंपल है। तो सबसे पहले आपने ये जानना होगा कि मतलब मैं जो घर पे आप नेचुरल तरीके से फेशियल कैसे कर सकती हो, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसको बनाना मैं शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कच्चा दूध, और उसके बाद से मैं ले रही हूँ हनी, एक चम्मच हनी। हनी जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो हमारे स्किन से डलनेस को ख़त्म करता है। जिनकी स्किन रूखी हो जाती है उनको भी ये ख़त्म करता है। उसके बाद से जो मैं ली थी कच्चा दूध, कच्चा दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, हमारे स्किन से डलनेस को ख़त्म करता है। तो फिर मैं इसमें एक कॉटन की मदद से अपने हाथों पे मसाज करूँगी। 2 मिनट तक आपने इसको मसाज करना है। सो क्लिंजिंग हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो जमी हुई मिट्टी धूल होता है वो हमारे स्किन के जो पोर्स बंद हो गए होते हैं उसको, मतलब क्लिंजिंग के ज़रिए आप इसको उस पोर्स को खोल सकते हो। तो अपने फेस पर इस तरह से आपने क्लिंजिंग करना है, तो बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो जाता है स्किन। तो 2 मिनट तक आपने ऐसे ही मसाज करते रहना है। तो फिर आपने इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो मैंने वॉश कर लिया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया है। तो फिर दूसरा स्टेप के लिए सबसे पहले चाहिए होगा जी, हमने लेना होगा एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो हमारे स्किन के लिए मॉइस्चराइज भी करता है। तो एलोवेरा मैं हमेशा यूज करती हूँ। मैं पतंजलि का एलोवेरा ली हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा से सूट करता है। आपने कोई भी, मतलब आपकी स्किन पे जो सूट करता है आपने वो ले लेना है। उसके बाद से मैं ले रही हूँ 1 चम्मच हनी। हनी जो होता है ना वो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, वो मतलब मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छा से सूट करता है। तो हनी जो होता है वो मतलब स्किन में जो डलनेस नज़र आने लगते हैं या आपकी स्किन रूखी हो गई है, तो मतलब आप इसको लगाओगे तो उसको भी ख़त्म करता है। तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मतलब मेरा फेस जो स्क्रब था वो तैयार हो चुका है, और मैं इसको अभी अपने हाथों पे लगा के आपको दिखाऊंगी। तो फटाफट मैं अपने हाथों पे इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। आपने ऐसे ही स्क्रब करना है, तो अपने कम से कम 10 मिनट तो स्क्रब ऐसे ही करते रहना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और तो अच्छा से मैं इसको स्क्रब करूँगी, आपने भी सेम ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद से मैं इसको अपने दोनों हाथों पे अप्लाई कर ले रही हूँ, और फिर आपने इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। और फिर तो चलिए तीसरा स्टेप भी शुरू करते हैं। तो तीसरा स्टेप मैं बनाने वाली हूँ। सबसे पहले आपने लेना होगा पके हुए चावल, तो मैंने पहले ही पका लिया था चावल, और फिर उसके मैं एक ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छा से पीस लूँगी। सो बहुत ही अच्छा मतलब ये क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हो आप बहुत ही अच्छा हो गया है। तो उसके बाद से मैं इसको किसी क्लीन बॉयल में निकाल लूँगी अच्छा से। फटाफट मैं इसको निकाल लेती हूँ। और तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी चावल के बारे में। तो चावल में लगभग 16% प्रोटीन होता है, जो कि स्किन सेल्स को बनाने का काम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है वो जैसे लिपिड और स्टार्च, ये भी मतलब स्किन को टाइट करता है, और जिनके दाग धब्बे हो जाते हैं इनको भी ये दूर करता है। तो और मतलब चावल के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, मतलब आप चावल का पानी यूज करते हो तो और भी ज़्यादा, ये आपकी हेयर पे भी बहुत ही अच्छा से काम करता है, और चावल के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं एक क्लीन बॉयल लूँगी, और इसमें मैं इसमें 2 चम्मच करीब इसमें ऐड करने वाली हूँ, जो मैंने बनाया था अभी चावल के जो पेस्ट, तो मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर ली हूँ। और उसके बाद से मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हल्दी। तो 1 चुटकी में इसमें हल्दी ऐड करने वाली, हल्दी भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी ऐड करने वाली हूँ, और फिर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। आपके पास अगर ये वाला एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मतलब
घर का एलोवेरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हनी। हनी तो मैंने आपको बताया था हनी कितना फ़ायदेमंद होता है, तो मैं इसमें एक छोटा चम्मच हनी ऐड की हूँ और इसको अच्छा से मैं मिक्स कर लूँगी। और फिर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्रीम मतलब ये तैयार हो चुका है। फिर मैं अपने हाथों पे अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आया है। तो आप फटाफट मैं इसको अपने हाथों पर लगा लूँगी। और तो आपने भी ऐसे ही लगा लेना है और इसको मैं 15 मिनट के लिए अपने हाथों पे मतलब इसको रखूँगी, आपने आपको फेस पे ऐसे ही रखना है 15 मिनट। और फिर इसका जो रिजल्ट होगा आप देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो मतलब जो ये होता है ना फेशियल, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फेशियल करने से हमारे स्किन में एक सॉफ्ट और क्लीन अंदर से ग्लो आता है, तो इसके लिए फेशियल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अब मेरा अब 15 मिनट के बाद मेरा ये जो हाथ है वो सूख चुका है। और फिर मैं इसको अच्छा से छुड़ा के आपको दिखाती हूँ। आप इसको रब करके छुड़ा सकते हैं या नॉर्मल वाटर से भी छुड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वॉश कर ली हूँ और बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया, जो बेबी का स्किन होता है ऐसे मेरा स्किन हो गया है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ही अच्छा ग्लो दिया है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मेरा जो फेशियल वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपने सेम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये नेचुरल तरीका है, आप नेचुरल तरीका से ही फेशियल करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि महंगा महंगा प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो हमारे स्किन को ख़राब भी करता है, वो तो हम ना करें तो ही बेहतर है, हम नेचुरल तरीका से ही करें तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद से मैं इसमें एलोवेरा लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र के लिए। तो आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं जो आपके स्किन पे सूट करता है, तो मैं एलोवेरा लगाती हूँ क्योंकि मैं मुझे बहुत ही अच्छा से सूट करता है। तो उसके बाद से आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर ले, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ख्याल रखना आप लोगों ने।